नमस्कार, खुलासा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुष्का सिन्हा। बिहार में स्कूल खोलने का बड़ा फैसला आया है। बिहार के शिक्षा विभाग ने आज इस बारे में एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया है कि 28 सितंबर से बिहार में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक की क्लास खोल दी जाएगी। आइए देखते हैं पटना से अनुप्रकाश की एक खास रिपोर्ट। बिहार के शिक्षा विभाग ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ऐलान किया है कि 28 सितंबर से बिहार में स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन स्कूलों में सिर्फ कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चे ही शामिल होंगे। दरअसल आज शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन के बाद करीबन 6 महीने के बाद स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने आज बैठक कर 28 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया, लेकिन इस फैसले में यह भी कहा है कि स्कूल जाने का फैसला पूरी तरीके से बच्चों के अभिभावक पर निर्भर करेगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। विभाग ने यह भी कहा है कि कोविड गाइडलाइन के तहत स्कूल प्रशासन को पूरे इंतजाम करने होंगे और इसके लिए शिक्षा विभाग अलग से स्कूलों को पूरी जानकारी भेजेगा। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों के परिजन से फीडबैक लिया था और उसी फीडबैक पर विभाग के वरीय अधिकारियों की बैठक के बाद यह फैसला लिया है। विभाग ने यह भी कहा है कि स्कूल में जितने छात्र हैं उसके 1/3 बच्चे स्कूल आएंगे और शिक्षकों के लिए यह भी निर्देश है कि 50% से अधिक शिक्षकों को बुलाने की मनाही होगी। एक छात्र सप्ताह में 2 ही दिन स्कूल आएंगे। इस बारे में शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि स्कूल खोलना ही सिर्फ सरकार का मकसद नहीं है, बल्कि सरकार यह चाह रही है कि सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई शुरू हो। देखिए, भारत सरकार के गाइडलाइंस को दृष्टिपथ में रखते हुए आज प्रधान सचिव की अध्यक्षता में दोनों निदेशालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और यह निर्णय लिया गया कि 28 तारीख मतलब नेक्स्ट मंडे से कक्षा 9 से 12 तक के का संचालन प्रारंभ हो। इसके लिए जो SOP होगा वो ये होगा कि एक दिन में अधिकतम जो स्ट्रेंथ है उसका 1/3 बच्चे आएंगे, टीचर्स का जो स्ट्रेंथ है उसके 50% टीचर्स आएंगे और एक व्यवस्था ऐसी होगी कि जो बच्चे जो मंडे को आ रहे हैं वो बच्चे फिर वो थर्सडे को आवें, ट्यूसडे वाले बच्चे फ्राइडे को आवें और वेडनेसडे वाले बच्चे सैटरडे को आवें। मतलब सप्ताह में 2 दिन, एक बच्चा सप्ताह में 2 दिन आ सकते हैं। ये प्योरली वॉलेंट्री होगा, कोई दबाव नहीं होगा, पेरेंट्स के कंसेंट से बच्चे आएंगे और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों का सुरक्षा, जो COVID-19 के कारण बच्चे की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और सभी SOP को पालन करते हुए सुरक्षित वातावरण में बच्चों का अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ कराने की नीति पर कार्य प्रारंभ हुआ है। पटना से खुलासा के लिए अनुप्रकाश की रिपोर्ट।